दोस्तों इलेक्ट्रोवाइट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज ये एलईडी टीवी का प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में शेयर करने जा रहा हूँ। ये शार्प कंपनी का है। टीवी पावर ऑन करने के बाद देखिए ग्रीन लाइट अभी जल रहा है, जो इंडिकेटर है वो जल रहा है, लेकिन डिस्प्ले में कुछ नहीं आ रहा है। इसमें बैक लाइट जल रहा है, देखिए हल्का हल्का वाइट कलर नीचे डिस्प्ले हो रहा है। ध्यान से देखने से ही मालूम पड़ेगा, मतलब बैक लाइट इसमें जल रहा है, ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। आइए टीवी का मॉडल नंबर देख लेते हैं। LC-24LE155M 155M। टीवी को ओपन कर लेते हैं। देखिए इसमें पावर सप्लाई और मेन बोर्ड दो अलग से अलग अलग है, मतलब दो बोर्ड है। इसमें पावर सप्लाई का वोल्टेज पहले देख लेते हैं। प्लग इन कर दिया हूँ टीवी को। अभी देखिए बैक लाइट जल रहा है, ये राइट साइड में देखिए। अभी वो देखिए वाइट कलर आ रहा है बीच नीचे से। वोल्टेज थोड़ा देख लेते हैं इसमें पावर सप्लाई में कितना कितना वोल्टेज निकल रहा है। अभी इसमें 12 वोल्ट निकल रहा है। पहले तीन ट्रैक 12 वोल्ट का है और 3 ट्रैक ग्राउंड का है, और लास्ट में जो 2 ट्रैक है ये NC है, नो कनेक्शन। अभी मेन बोर्ड में वोल्टेज देख लेते हैं। ये तो हो गया बैकलाइट का। बैकलाइट 24 से 28 तक मैक्सिमम वोल्टेज रहता है। ये मेन सप्लाई 12 वोल्ट ओके है मेन बोर्ड में। अभी पैनल सप्लाई वोल्टेज देख लेते हैं। ये 12 वोल्ट का पैनल होगा। इसमें पैनल सप्लाई 12 वोल्ट देखते हैं ये कितना वोल्ट निकल रहा है। हाँ 12 वोल्ट ही निकल रहा है। ये सर्किट में ये LVDS सॉकेट जो है ये 12 नंबर पिन से RGB सिग्नल स्टार्ट होकर 25 नंबर पिन तक आउट होता है। ये RX0+ देखिए 1.04, RX1- 1.45, RX1+ 1.04, RX2- 1.39, RX1+ और क्लॉक सिग्नल क्लॉक वोल्टेज भी निकल रहा है 1.26 और RX3 भी निकल रहा है। देखिए सभी वोल्टेजेस निकल रहे हैं। वोल्टेज ओके होने की वजह से भी पिक्चर नहीं आ रहा है। पैनल खोल के देख लेना पड़ेगा पैनल में क्या है क्या नहीं है, पैनल में शायद गड़बड़ है हो सकता है। लेकिन और एक बात है, ये शार्प कंपनी का जो टीवी है इसमें सॉफ्टवेयर का भी बहुत प्रॉब्लम आता है, इसलिए टीवी का पैनल खोलने के लिए भी देखिए कितना ऊपर में कवर लगा हुआ है, बहुत खोलना पड़ेगा, टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए आउटसाइड से पैनल चेक कर सकते हैं हम लोग, इसलिए एक बार पैनल को चेक कर लेते हैं। पैनल सही होगा तो सॉफ्टवेयर डालेंगे, और सही नहीं होगा तो पैनल ओपन करके देखेंगे कि कौन बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है क्या नहीं। विदाउट पैनल टेस्टर और PCB, मतलब बिना PCB से आपको कैसे पैनल टेस्ट करना है किसी को पता नहीं है तो कमेंट कीजिए। मैं 12 वोल्ट एडाप्टर से कैसे आप FSD हो या SD हो कोई भी पैनल कैसे चेक करें, मैं आपको वीडियो बना के आप लोगों के पास दे दूँगा। अभी देखिए इसमें ये RGB मतलब तीनों कलर आ गया है, रेड ग्रीन ब्लू वाइट कलर अवेलेबल है, मतलब पैनल सही है। पैनल में देखिए RGB आ रहा है, पैनल सही है। PCB में ही प्रॉब्लम है, मतलब PCB में सॉफ्टवेयर अपडेट करने से
मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। शार्प में ऐसी ज़्यादातर प्रॉब्लम आता ही है, देख लेते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट करके। और किसी को ये टीवी का सॉफ्टवेयर चाहिए तो मेरा पास है, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और नहीं मिलने से भी मेरे को कमेंट करने से हो जाएगा, मैं भेज दूँगा आपको। टेलीग्राम नंबर दे देने से हो जाएगा। पहले सॉफ्टवेयर मार्केट देख लेते हैं, पेन ड्राइव लगा लेते हैं। इस टीवी में सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए पहले पेन ड्राइव टीवी में इंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद पावर बटन प्रेस करके, पैनल की जो है ना पावर बटन प्रेस करके मेन पावर ऑन करना है। जब डिस्प्ले में कोई इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, सॉफ्टवेयर अपडेट इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, तब आपको पावर बटन छोड़ देना है और आगे देखिए मालूम पड़ जाएगा नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा। अभी पावर बटन प्रेस करके रखा हूँ और मैंने इसी इनपुट कर दिया हूँ, मतलब प्लग इन कर दिया अभी टीवी को। अभी देखिए इन्फॉर्मेशन आ गया है टीवी में, अभी पावर बटन छोड़ देता हूँ। अभी जब सॉफ्टवेयर अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, इंस्टॉल कंप्लीटेड आ जाएगा टीवी स्क्रीन पर, तब आपको पावर डिस्कनेक्ट करके पेन ड्राइव ओपन करके दोबारा रिस्टार्ट करने से टीवी चालू हो जाएगा। लगभग एक डेढ़ मिनट का टाइम लग जाता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट होने में। इंस्टॉलेशन इंस्टॉल कंप्लीटेड इन्फॉर्मेशन आ गया है। अभी पावर डिस्कनेक्ट करके पेन ड्राइव ओपन करके दोबारा ऑन करेंगे। टीवी प्लग इन कर दिया, अभी ग्रीन लाइट तो आ गया, देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, इन्फॉर्मेशन भी आ गया है, मतलब टीवी सही हो गया है, सॉफ्टवेयर का ही फॉल्ट था। इसे प्रॉब्लम में पैनल टेस्टिंग प्रोसेस पता होने से काम करने में इजी हो जाता है, टाइम भी कम लगता है। और किसी को ये नहीं मालूम तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो पैनल टेस्टिंग के ऊपर बना लूँगा और आप लोगों को काम करने में इजी होगा।